वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ यूनिट नंबर 12, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 12A. इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 6. सो मल्टीप्लाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय सेकेंड. दे सेड मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ. मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की आप लोगों को आती है. अब एक्सप्रेशन कौन से एक्सप्रेशन? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लास 7th में भी सीखी थी. अब हमने करना है सॉल्व इनको बाय मल्टीप्लिकेशन. कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये दो एक कोमा से जो ये दोनों एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहे हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ. तो देखते हैं किस तरह से करना है. हम पहले राइट करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन को, वो है एम स्क्वेयर प्लस एम एन, फिर है एन स्क्वेयर. उसके बाद उसके नीचे राइट करेंगे हम ये सेकेंड एक्सप्रेशन, डेट इज़ एम स्क्वेयर प्लस एन. सो राइट हेयर एम स्क्वेयर प्लस एन एंड ड्रॉ अ लाइन. हमने इन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक्सप्रेशंस को हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, वो हम अप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड. जनरल टर्म अगर हम लें कि दो हमारे पास एक्स हैं, वो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों की पावर है 1, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी पावर 1+1 मिलके बन जाएगी एक्स स्क्वेयर. सेम वे अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, जो जितनी भी है, ज़रूरी नहीं है दोनों पावर सेम ही हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स रेज पावर 2 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स रेज पावर 4 के साथ, बेस हमारे पास सेम है यानी कि एक्स और एक्स दोनों सेम हैं और वो मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर्स जो भी आ जाएँ उनको हमने करवा देना है ऐड. तो 2+4 क्या बनाएगा हमारे पास, एक्स रेज पावर 6. तो इसी जो है वो रूल को अप्लाई करना है हमने इन क्वेश्चंस में. तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हमने करना है इस एम स्क्वेयर को इस हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर 3 टर्म्स हैं तो इन तीनों के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो एम जब एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स 2+2 बनेगी एम 4. अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई करवाना है एम स्क्वेयर को विद एम एन. मैंने आपको बोला था अभी कि सेम वेरिएबल्स ही आपस में सॉल्व होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उन्हीं की पावर जो हैं वो ऐड होंगी. अगर कोई वेरिएबल डिफरेंट है तो उसकी पावर हम ऐड नहीं करवाएंगे, वो एज इट इज़ 7 आ जाएगा. अब यहाँ पे है हमारे पास पावर स्क्वेयर और यहाँ पे है 1, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे एम क्यूब. एन के साथ क्योंकि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो एज इट इज़ हमने राइट कर दिया. नाउ नेक्स्ट वी हैव एम स्क्वेयर एंड एन स्क्वेयर, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो हम इन दोनों को इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के साथ राइट कर देंगे. इनकी पावर्स को हम ऐड नहीं करवाएंगे. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी. नाउ कम्स टू द सेकंड टर्म, डेट इज़ प्लस एन. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस एन विद ईच टर्म एंड राइट बिलो. सो हेयर एम स्क्वेयर एंड एन बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो वी कांट ऐड द पावर्स. सो राइट हेयर एम स्क्वेयर एन. अब कि हमने इनको राइट नीचे कहाँ पे करना है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो टर्म्स ऊपर बना ली हैं उनके साथ जो मैचिंग टर्म होगी वो इसके नीचे राइट करनी है, जो मैच नहीं करेगी वो हम उस फर जो है वो आगे राइट कर देंगे. तो यहाँ हमारे पास एम स्क्वेयर एन वाली कोई भी टर्म नहीं है तो हम उसको यहाँ राइट करेंगे प्लस एम स्क्वेयर एन. नेक्स्ट हमारे पास बन रही है एम एन स्क्वेयर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे एन की जो है वो पावर 1 और 1 है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे स्क्वेयर. सो वो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म नहीं है तो हम उसको आगे राइट कर देते हैं एम एन स्क्वेयर बना के. लास्ट टर्म बन रही है एन क्यूब, हेयर वी हैव पावर 1 एंड हेयर वी हैव पावर 2, सो इन दोनों को जब हम प्लस करवाएंगे ये बनेगा एन क्यूब. ये भी हमने यहाँ इसलिए राइट किया क्योंकि हमारे पास ये टर्म इन तीनों में से मैच नहीं कर रही, यानी कि एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इधर कोई आंसर आता एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर तो वो मैं इसके नीचे राइट करती. अब क्योंकि कोई भी टर्म मैच नहीं करी तो हमने आगे राइट किया ड्रॉ अ लाइन हेयर. अब मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने नंबर्स को प्लस करवाना है. अब नंबर्स आ जाएँ या टर्म्स आ जाएँ हमने उनको ऐड करवाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म ऊपर नीचे मैच नहीं कर रही थी, सारी डिफरेंट हैं, तो हम जो भी ऊपर आंसर्स आए हैं उनको एज इट इज़ नीचे राइट कर देंगे. हेयर एम फोर प्लस एम क्यूब एन, देन आएगा एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, उसके बाद है एम स्क्वेयर एन प्लस एम
एन स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारे पास बन रही है एम क्यूब। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 5a² - 2ab + 3b² - ab + 1। दिस इज़ आर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ आर सेकेंड एक्सप्रेशन। तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को विद सेकेंड एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में इसी तरह से राइट कर लेंगे इन दोनों को। ये हमने राइट कर दिया। अब हम करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने पहले इस फर्स्ट टर्म को ऊपर वाली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए बी को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 5a² के साथ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 कोफिशेंट भी आ गया है। पिछले क्वेश्चन में तमाम कोफिशेंट 1 थे, यहाँ पे क्या है 5 है, इसका कोफिशेंट है 2 और इसका कोफिशेंट है 3। तो हमने इनको भी साथ ही नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है। ए बी का कोफिशेंट है 1, तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर वापस आंसर में आ जाता है। तो यहाँ हमने 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 5। अब है ए, यहाँ पे ए 1 है और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, तो इन दोनों की पावर्स मिलके बनाएंगी ए क्यूब। और ये बी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो नहीं है, तो वो 1 पावर के साथ वैसे नीचे आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास -2ab। इस -2ab को इस +ab के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब हमने साइंस को भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास अगर 2 प्लस हैं तो वो प्लस 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 ही बनेंगे। आपको पता है कि 2 प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्या आंसर देते हैं प्लस, 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी हमें आंसर देते हैं प्लस। लेकिन जब 2 ऑपोजिट साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वो दोनों मिलके बनाते हैं माइनस। तो हमने जहाँ पे हमारे पास साइन डिफरेंट आ जाएंगे वहाँ पे हमने आंसर में जो है वो माइनस के साथ राइट करना है। तो यहाँ हमारे पास ए बी प्लस का है, 2ab माइनस का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइंस को, तो आंसर आएगा माइनस 2 1 2। ab और ab 2 टाइम्स हैं तो दोनों की पावर डबल हो जाएगी, ab² एंड b². अब लास्ट है, दोनों ही साइंस प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, 3 1 3 बना a और b की पावर क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारे पास +1। इस +1 को हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस के साथ है, तो हमने तमाम टर्म्स को एज इट इज़ राइट करना है। लेकिन हमने ये देखना है कि कोई टर्म ऊपर वाली टर्म्स के साथ मैच कर रही है तो उसके नीचे राइट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। 5a² हमने वेरिएबल चेक करना है, सिर्फ a² हमारे पास नहीं है तो ये हम यहाँ राइट कर देते हैं 5a². 2ab की टर्म हमारे पास नहीं है तो वो भी हम यहाँ राइट करेंगे -2ab, और लास्ट टर्म है 3b², वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रीवियस की तरह, लेकिन इसमें क्योंकि कोफिशेंट्स थे इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये तमाम नंबर्स नीचे एज से ही हम राइट कर देंगे, +3ab³ +5a² -2ab +3b². अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, इन दोनों को हमने करवाना है मल्टीप्लाई, बट हेयर वी हैव 3 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो मल्टीप्लाई हमने जिससे करवाना था उसमें 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। सो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में हम राइट कर लेते हैं। प्रोसेस हमारे पास वही है, जो भी हमारे पास नीचे टर्म्स मौजूद हैं उसको एक एक करके हमने जो है ऊपर वाली हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाते जाना और नीचे आंसर लिखते जाएंगे। पावर्स भी हमने उसी तरह से ऐड करवानी है, जो सेम वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास px². इस px² को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर वाली हर टर्म के साथ। तो px² विद ax² ए और पी क्योंकि डिफरेंट हैं वो वैसे ही आ गए, और x² क्या बना x4। नेक्स्ट है px² को bx के साथ, तो बी और पी तो डिफरेंट हैं, मैच क्या कर रहा है एक्स, पावर्स ऐड करवा दें, इट बिकम्स 3। नाउ हेयर वी हैव px² प्लस सी, तो इनको हम राइट करेंगे सी पी एंड एक्स। अब बारी है qx की, लेट स्टार्ट। qx विद ax² मेक्स aqx³। हमने अब यहाँ देखा कोई टर्म मैच नहीं कर रही क्योंकि इसमें q है, उधर क्या था सब में p था, तो ये तीनों ही मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आएगी वो इनमें से किसी से मैच नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल ऑफ q। तो यहाँ हम राइट करेंगे aqx³।
नेक्स्ट बनेगा बी क्यू एक्स स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज सी क्यू एक्स एंड द लास्ट टर्म है आर. व्हेन यू मल्टीप्लाई आर विद ईच टर्म सो इट ऑल्सो बिकम्स डिफरेंट देन दीज टर्म्स. तो क्योंकि आर है और यहाँ पे क्या था पी और क्यू, तो वो हम आगे राइट कर देंगे. हमारे पास टर्म है ए आर एक्स, फिर है बी आर एक्स और लास्ट है सी आर. सो फाइनल स्टेप ये है कि इन तमाम टर्म्स को हम जस्ट नीचे राइट डाउन करेंगे. कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही तो कोई भी टर्म आपस में ऐड भी नहीं हो सकती. तो हमने ये तमाम आंसर्स नीचे राइट कर देने हैं. ये तमाम हमने टर्म्स जो हैं वो नीचे राइट कर दी हैं एज इट इज़. सो दिस इज़ योर आंसर. अभी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में आप देखें आपको फोर फोर टर्म्स दिए हुए दोनों एक्सप्रेशन में. फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 + x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब और सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन. प्रोसेस वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने ये काम करना है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है फर्स्ट, इसको हमने रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर कॉन्स्टेंट टर्म. तो हमने इसको रीअरेंज करके सबसे पहले एक्स क्यूब राइट करेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स और प्लस वन, देन जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे. ये हमने इनको अरेंज करके राइट किया है. चलिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं. एक्स क्यूब विद एक्स क्यूब इट मेक्स एक्स सिक्स. ये प्लस में है, तमाम टर्म्स के साइन एस टीज आ जाएंगे. प्लस नेक्स्ट बनेगा एक्स फाइव, फिर आएगा एक्स फोर और लास्ट टर्म बनेगी एक्स क्यूब. ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीट हो गई. अब है माइनस एक्स स्क्वेयर. इस माइनस एक्स स्क्वेयर को हर टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है तो ऊपर वाले हर नंबर का साइन अब चेंज होगा. तो माइनस थ्री एंड टू फाइव माइनस एक्स फाइव. पीछे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन में ये कहा था कि हमने आंसर राइट करने से पहले चेक करना है कि टर्म किसी साथ मैच कर रही है तो उसके नीचे आंसर राइट होगा. तो इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स फाइव बन रही है. देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक्स फाइव जिसका आंसर हम यहाँ राइट करेंगे माइनस एक्स फाइव. नेक्स्ट बन रहा है प्लस माइनस माइनस एक्स फोर, वो भी यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स फोर. नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब, हेयर वी हैव एक्स क्यूब राइट हेयर एंड द लास्ट टर्म इज़ एक्स स्क्वेयर. क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर किसी से मैच नहीं करी तो आगे आ गई. ये भी कम्प्लीट होगी. अब टर्म है इस एक्स की. सो हेयर एक्स फोर प्लस एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर एंड द लास्ट टर्म इज प्लस एक्स. नाउ इट्स टर्न ऑफ दिस माइनस वन. मल्टीप्लाई दिस माइनस वन विद ईच टर्म सो वी विल गेट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स एंड माइनस वन. डेट्स इट. अब हमने इनको करवाना है ऐड. सबसे फर्स्ट टर्म है एक्स सिक्स, उसके नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स फाइव, प्लस में है माइनस में है, इनके कोफिशेंट्स हैं वन. सो वन जब वन से माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. तो ये तो टर्म्स हम आपस में कैंसिल करवा देंगे, इनका नीचे कोई आंसर नहीं आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स फोर, तो ये एक एक्स फोर इस एक्स फोर से कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ दीज साइंस प्लस एंड माइनस. तो हमारे पास पीछे बचा प्लस एक्स फोर, वो हम आंसर में राइट करेंगे. नेक्स्ट टर्म है क्यूब की, तो प्लस में माइनस में अगेन प्लस एंड माइनस, तो ये भी ज़ीरो हो गया, इसका भी आंसर नहीं नीचे लिखेंगे. अब नेक्स्ट है स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में, ये अकेला माइनस एक्स स्क्वेयर बचा, ये हम यहाँ राइट कर देंगे. ये दोनों भी कैंसिल हुए और ये बचा माइनस वन. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. Oh.